मौसमी। बिल्कुल रिया चक्रवर्ती, अंजना रिया चक्रवर्ती आ चुकी है, ये देखिए सबसे आगे उनकी गाड़ी रही। रिया चक्रवर्ती अब उतरने वाली है, उसमें पुलिसकर्मी भी बैठे हुए थे, देखिए एक एक करके जो मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी वो उतर रही है, रिया चक्रवर्ती भी उतर रही है। रिया चक्रवर्ती उतर के अब सीधे जा रही है एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर, जैसा की तस्वीरों में आप देख पा रहे हो, सीधे एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर। और कुछ मीडिया कर्मी अंदर एक बार फिर से पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ मीडिया कर्मी अंदर फिर से जा चुके हैं, जिनको हटाने का काम भगाने का काम इस वक्त वहां पर मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। एक्सचेंज बिल्डिंग और बस कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। और उस पेशी के बाद आगे क्या होता है, क्या उनको बेल मिल जाएगी या फिर जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा जाएगा, अब वो रहेंगी कहाँ, क्या भाईखला जेल उनको भेजा जाएगा या यहीं पर जो अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है इस एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर उसमें रखा जाएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन पीछे हमने देखा थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि एक के बाद एक चार गाड़ियां अंदर गई। सबसे आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी थी, उसके पीछे रिया चक्रवर्ती जिसमें बैठी हुई थी, रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी उसमें तीन महिला पुलिसकर्मी भी थी, जो दो वर्दी में थी, यूनिफॉर्म में थी, खाकी वर्दी में, और एक सादी वर्दी में वहां पर मौजूद थी। फिलहाल रिया चक्रवर्ती आ चुकी है।